पेड़ पौधे है लगाना, आरा भोजपुर की सुंदरता को है बढ़ाना, आओ एक नया निर्माण करें, पेड़ों से अपने भोजपुर का श्रृंगार करें। संजय शुक्ला के सौजन्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम स्थानीय महाराजा कॉलेज के मंच से किया गया। इंजीनियर संजय शुक्ला के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत ही प्रशंसनीय रहा। उन्होंने कहा कि पेड़ काटना अभिशाप है, हमें पेड़ लगाना चाहिए, इससे मनुष्य को, जीव जंतु को जिंदगी तथा खाने के फल इत्यादि मिलते हैं। पेड़ वन का श्रृंगार होता है, सभी जीवों को, इंसानों को, उस धरती को जिंदा रखता है, तो पेड़ और वन तथा जल का बचाव करना अति आवश्यक है। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन एवं जल की आवश्यकता जो सिर्फ पेड़ से मिल सकती है। वृक्षों की रक्षा करना सतयुग से ही प्रचलित है। जब माता शबरी शिक्षा प्राप्त कर लौट रही थी तो उनके गुरु मदंग ऋषि उन्हें वृक्ष की पत्तियां और चुल्लू भर जल देकर बोले कि बेटी, यह पत्तियां और जल की बूंदों को संभाल कर रखना, क्योंकि आने वाले कलयुग में इनकी खास जरूरत पड़ेगी, जिसे बचाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वृक्ष को लगाना, इसे बर्बाद होने से बचाना बहुत जरूरी है। प्रकृति में इतनी बढ़ती जा रही है, इसका एकमात्र कारण है वृक्षों का काटना। ये पर्यावरण विषय वस्तु तो आज की डेट में एक जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके जहन में भी है। मैं तो एक काफ़ी पढ़ा लिखा एक यांत्रिक अभियंत्रण से मैं किया हूँ, और मैं उपाध्यक्ष था JSW स्टील में, टाटा स्टील में, और वहाँ से पहले मैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया था। हर संस्थान में शुरू से ही पर्यावरण के बारे में हम लोगों को बताया जाता था, हम लोगों के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट को टेकअप किया जाता था, बिकॉज पर्यावरण में जो पारिस्थितिक विचलन या असंतुलन होता है, ये शहरीकरण, औद्योगिकरण और बहुत ऊंचे दर पे जनसंख्या की वृद्धि, ये सब कारण है। तो जहाँ जहाँ इस्पात का कारखाना है, जहाँ जहाँ ऊर्जा का प्लांट है, वहाँ वहाँ इस विचलन को, इस विसंगति को, जिसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बोलते हैं, इसको कवरअप करने के लिए ट्रीज लगाने के प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। तो उस दरमियान ये हमारे जहन में रहता था। तो पिछले 2-2.5 साल से जब मैं आरा में घूम रहा था तो पेड़ तो बहुत देखा, लेकिन 2-2.5 साल में मुझे लगा कि बहुत सारे पेड़ मर गए और बहुत सारी हरियाली कम हो गई। आज आपके द्वारा महाराजा कॉलेज परिसर में कितने फलदार वृक्ष का वितरण किया गया? आज हमारे महाराजा प्रांगण में विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से 15 से 20 पौधे तो इस कैंपस में लगाए गए, जो कि गैबिन के साथ, उसके गोल सुरक्षा के साथ, और वितरण हम लोग 1000 से ऊपर पेड़ों को, पौधों को कर रहे हैं। और हमारा ये लक्ष्य है कि वैसे वैसे जगह जहाँ जहाँ बहुत सारे, आज सभा में जो हम लोगों की शुरुआती सभा हुई, बहुत सारे सलाह हुए, उस एरिया में हम लोग कम से कम नहीं भी तो कुछ 2-4-5 महीने के अंदर 50,000 से लेके 1,00,000 पेड़ों तक हम लोग लगाने का भरपूर प्रयास करेंगे। पर्चे बता दीजिए। संजय शेखर शुक्ला, ग्राम सुकुलपुरा, धन्यवाद।